हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा में क्लास ट्वेल्थ का जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है वह किस तरह का आता है। फ्रेंड्स, यह 2021 का ही मॉडल पेपर है। फ्रेंड्स, इसमें आपको किस तरह का क्वेश्चन आएंगे और कैसे इसको हल किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप ये मतलब हल कर लिए पूरा तरीके से, अच्छी तरीके से, समझ लीजिए मॉडल पेपर भी आपका तैयार हो जाएगा। और मॉडल पेपर से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको जरूर हल करने चाहिए। मैं इसका जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें इसका आंसर भी बताते चलूंगा, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो समय नहीं दिया गया है क्योंकि ये स्कूल का ही मॉडल पेपर है जो प्री बोर्ड परीक्षा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, पहले फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें पांच रहेंगे, पांचों का आपको आंसर देना होगा, इसलिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती की रचना विधा है, कौन सी रचना विधा है? कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो फ्रेंड्स, यह क्या है? काव्य है। फ्रेंड्स, ये स्कूल का कोई लड़का लगाया है तो ये गलत हो गया, लेकिन ये फिलहाल जो मैं आपको सही रहे वो बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक थे, ये जानते ही हैं, अज्ञेय हैं, ये लड़का जो सही लगाया है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ अज्ञेय है और आप कहीं भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अगला देखते हैं कि वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है। तो आपको क्या करना है, पहला खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा। तो फ्रेंड्स, इसमें से मैं जो है सा वाला सही है, मैथिली। ठीक है, सा वाला सही है, मैथिली, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम कहानी है पूस की रात, कलाकार का दंड, इंदुमती, आत्माराम, आत्माराम। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा है? इंदुमती। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता या लेखक हैं, तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी इंसा अल्लाह खां, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, यशपाल। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर सही है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको पांच नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर देखिए, इसका क्योंकि मैं आपको साथ में आंसर भी बताते चल रहा हूँ। तो हमारा है कि का वाला है, भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा और गुणवाणी। तो इसमें कौन सा है? प्रेम माधुरी। ठीक, रीतिकालीन कवि हैं, तो रीतिकालीन कौन से कवि हैं? मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर सही है द्विजदेव। ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिए और ये 100% सही भी है, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये द्विजदेव है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि बीना पत्रिका किस भाषा की कृति है। तो आपको पहला दिया आंसर यहाँ पे कि अवधी है या मैथिली है या ब्रज है, तो खड़ी बोली है। तो फ्रेंड्स, ये आप ब्रज भाषा में। ठीक है, बिना पत्रिका किस भाषा की कृति है, तो ब्रज भाषा की है। ओके, और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? घनानंद को, भूषण को, या केशव को, या पद्माकर को। तो फ्रेंड्स, ये है आंसर सा वाला, केशव को। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो इसको मैं बता देता हूँ, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसका भी बताऊंगा कि इसमें किस चैप्टर से लिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखना होता है, इसको आप इसलिए वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूँ या छोड़िए, आपको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे समय व्यस्त होगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता देता हूँ कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुगमता के लिए उद्दृत है। तो यह भाषा शब्द यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन से भी मतलब कुछ वर्ड मिलते हैं कीवर्ड की एक किस चैप्टर से होंगे। तो ये चैप्टर, इसका चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स भाषा एवं आधुनिकता। ठीक है, ये फ्रेंड्स गद्य से है, भाषा एवं आधुनिकता इस चैप्टर का नाम है, और इसके लेखक जो हैं वह प्रोजी सुंदर रेड्डी है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो इसको आप आंसर को बना के लिख देता है आपको, इसमें से फ्रेंड्स अधिकतम जो है 9 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, पूरा पूरा नहीं देता क्योंकि थोड़ा कुछ गलती भी यहाँ होती है और राइटिंग वगैरह आप काट लेता है एक नंबर, और 8 से 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे, बस छोटा छोटा दो दो तीन तीन लाइन का आंसर आप इसी में से ढूंढ कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट मान लीजिए, इसका भी बता देता हूँ कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसको आप भी देख लीजिए, रमणीयता ओम नित्य नूतनता अन्योच आश्रित है, रमणीयता का अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है, नित्य नूतनता। यानी कि फ्रेंड्स ये जो लिया गया है दूसरे पार्ट से, यानी अयोध्या सिंह हरिऔध का, अयोध्या सिंह हरिऔध जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध जो है अशोक के फूल से लिया गया। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा है। चौथा, निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको किस चैप्टर, पहले आप इसको जब भी आप पेपर में पढ़िए आपको मिलेगा तो आप इसको पढ़िएगा एक इस चैप्टर से, यानी कंफर्म हो जाएगा तभी आपको लिखेगा। क्योंकि इसके लिए फ्रेंड्स आपको जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, इसके लिए आपको दो नंबर का फ्रेंड्स मिल जाता है। ठीक है, सभी प्रश्न यानी पाँच प्रश्न हैं, पाँचों के लिए दो दो नंबर का मिलता है। तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे रे, क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम होता है बस शीर्षक और कवि का नाम लेता है, बाकी यह सब नहीं पढ़ता। क्योंकि इसमें जानते हैं कि लड़के बकवास लिखे होंगे और मतलब सभी लोग को इसका आंसर अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं देखता, बस इसका शीर्षक और कवि देखता है। अगर ये चीज़ें सही है तो पूरा आपको लगभग 9 नंबर 8 नंबर, कभी कभी राइटिंग वगैरह सही है तो 10 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह पहले पार्ट से लिया गया है, यानी इसके इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लेखक जो हैं वह अयोध्या सिंह हरिओत जी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर दिया हूँ कि यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें जो बताया था आपको, इसमें फ्रेंड्स है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अयोध्या सिंह हरिओत जी हैं और प्रिय यानी पवन दूतिका से लिया गया है, पवन दूतिका से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा फ्रेंड्स कि इसमें पाँचवा देखते हैं। पाँचवा देखो, देख लीजिए, निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद ही होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, मतलब इसमें से कोई एक लिखेगा और लगभग एक पेज में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, लगभग 80 पेज में, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स 80 पेज नहीं, 80 वर्ड में, 80 शब्दों में इसका आंसर आप देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं खावाला की निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, यानी जीवन परिचय देना। ठीक है फ्रेंड, इसका साहित्यिक परिचय देना था और उसको यहाँ पे जीवन परिचय देते हुए, जैसे कब यानी कि बस इसके इनके माता पिता का नाम और ये कब मरे थे और इनकी थोड़ी एक आध दो रचना लिख दीजिएगा, पाँच छठ हो रचना, पाँच छठ हो, और फ्रेंड्स लगभग एक पेज में हो जाए, बस उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक लिखेंगे फ्रेंड्स, ये लगभग 2.5 पेज से 3 पेज लिखिएगा। ठीक है, 2.5 पेज से 3 पेज, इसके लिए आपको फ्रेंड्स यदि आपको हेडिंग याद रहेगी, इसमें से ना मैं इसका वीडियो बनाया हूँ हेडिंग याद करने की, किस तरह हेडिंग याद करके और उसमें कैसे लिखा जाता है, इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के, पंचलाइट या ध्रुव यात्रा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक ही लिखना है पंचलाइट, इसको 2.5 पेज लिख देंगे आपको 5 नंबर 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इस पर लेकिन अधिकतम 30 मिनट के आधे घंटे के अंदर पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट अधिकतम लिखिएगा, 20 मिनट से ज़्यादा समय मत दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवां, स्वपठित खंडकाव्य के किसी एक खंड का उत्तर दिए, यानी कि जो आपके जिले में चल रहा है उसको लिखना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो चलता है वहाँ, यहाँ पे ये श्रवण कुमार का चलता है खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में डालिए, तो ये चलता है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया रहेगा, दो क्वेश्चन में अथवा दिया रहेगा। अगर यदि आपको श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डाली ये आ रहा है तो इसको कीजिए, या तो नहीं आ रहा है तो श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए, ये लिख दिए। इसमें कोई एक लिखा है ये भी लगभग 2.5 पेज लिखना है, कम से कम 2.5 पेज लिखेंगे तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठवां, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसको संदर्भ से अनुवाद करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके लिए 7 नंबर का मिलेगा, 7 नंबर यानी 2 नंबर जो संदर्भ में मिलेगा और जो है 5 नंबर हिंदी में अनुवाद मिलेगा, हिंदी में अनुवाद यानी कि आपको इसका अर्थ लिखना है। तो इसका मैं अर्थ भी आपको बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविधानां धर्मस्य न धर्मस्य धनस्य च। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होगा कि जल यानी कि जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़े भरते हैं, यानी कि जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार जो है विद्या धर्म और धन की भी बढ़ते हैं, यानी कि उसी प्रकार विद्या धन और यानी कि इसको अर्थात करके आप लिखेंगे, अर्थात जिस प्रकार धीरे धीरे परिश्रम करके यानी धन अर्जित किया जाता है, ढेर सारे धन को अर्जित किया जाता है, उसी प्रकार जो है एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। फ्रेंड्स मतलब आप इसको, मैं आपको रियल अर्थ बता दिया, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है उसी प्रकार विद्या धन और धर्म भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ों का इसका अर्थ। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि मतलब इसको भी मैं बता देता हूँ कि भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्यम तस्मादि सुभाष्यम, यानी कि सभी भाषाओं में यानी संस्कृत भाषा
सबसे मुख्य यानी प्रधान है, मधुर है और दिव्य यानी कि सुंदर है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य प्रधान यानी प्रधान मधुर एवं सुंदर है, और तस्या ही मधुर है यानी कि उनसे भी मधुर जो है उनका काव्य होता है, यानी कि जो भी काव्य संस्कृत में लिखे जाते हैं वह बहुत ही सुंदर होते हैं। और काव्य से बढ़कर सबसे अधिक सुंदर क्या होता है, तस्माद ही सुवासिन, यानी कि काव्य से भी बढ़कर उनकी सुक्तियाँ ही सुंदर होती हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें जो लिखी गई हैं ये दोनों चैप्टर, ये सुवासिन सुवासित रत्नान नामक चैप्टर से, यानी कि सुवासित रत्नान नामक चैप्टर से, इसके लिए आपको अगर ये लिख दिए सुवासित रत्ना से ये लिखा गया तो इसके लिए आपको दो नंबर तुरंत मिल जाएगा। बस एक ही वर्ड लिखे तो आपको दो नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फ्रेंड्स दोनों करना है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी मतलब यहाँ पे अथवा दिया है फ्रेंड्स, चाहे आपको ये करना है चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये आला आ रहा है तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, आत्मज्ञा व सर्वज्ञा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। आत्मज्ञा व सर्वज्ञा आप इसको देखेंगे अपनी किताब में तो मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि इसमें देखिए करना है, इसलिए मैं आपको एक ही बताया हूँ। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये करना, यानी कि जो आपको आसान लगे बस दो ही करना है। तो आपको मैं बता दूँ, उंगली उठाना यानी कि दोष लगाना, इसका वाक्य प्रयोग मैं बता देता हूँ कि मोहन साधु व्यक्ति पर उंगली उठाता है, यानी कि साधु व्यक्ति पर दोष लगाता है, ठीक है। और हमारा जो है अगला है कि हाथ मलते रह जाना, यानी कि पश्चाताप करना, यानी कि मोहन जो है समय के बीत जाने पर पश्चाताप कर रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। हमारा दसवां हो गया, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें आपको क्या करना है, महोदय का संधि विच्छेद लिखना है, महोदय का संधि विच्छेद। इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कि तीन नंबर का एक नंबर इसके लिए, एक नंबर इसके, नंबर एक इसके। तो फिर ये तीन नंबर आपको मिल जाएगा। बस इसमें छोटा सा काम करना है, आपको क्या करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या का पहला डाल करके उसमें आपको जो सही आंसर है उसको लिख देना, यानी कि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये इसमें बा वाला सही है, महा प्लस उदया, तो ये वाला इसका सही आंसर है। और फिर हमारा नेक्स्ट आंसर है कि पवन का संधि विच्छेद है पौधन अनह, पौधन अनह, पौधन अनह और पौधन अनह। तो फिर इसका पहला आंसर सही है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नात्यत्र नानेत्र का संधि विच्छेद लिखिए। तो इसका फ्रेंड्स पहला आंसर सही है, ना प्लस अन्यत्र। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन का चयन कीजिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि षष्ठ कौन सा आंसर सही है इसका। तो षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्वि एक वचन और चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो इसका फ्रेंड्स सबसे करेक्ट आंसर है चतुर्थी एक वचन, ठीक है। ये बड़ा वाला जो मैं लिखा है उसको मैं गलती से लगा दिया हूँ, ये चतुर्थी एक वचन, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, छोटा सा पेपर और बचा है। हरिराम में विभक्ति एवं वचन है, हरिराम में विभक्ति एवं वचन है। तो इसका फ्रेंड्स जो पहला आंसर सही नहीं है, तृतीय एक वचन, पश्चिमी द्विवचन, तृतीय बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो षष्ठी बहुवचन है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको, दसन डंसन का, इसका आपको सही अर्थ लिखना है, डसना और काटना ये गलत है, दांत और काटना ये भी गलत है, काटना और डसना ये सही आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर सही है, काटना और डसना, यानी कि दंसन का मतलब डसना होता है और दसन का मतलब काटना होता है। ये आप कहीं भी अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एकदम सही आंसर है। और तर्क तक्र, तो दलील और गवाह, वार्ता और झगड़ा, बहस और मट्ठा, दलील और प्रमाण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बहस और मट्ठा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं खा वाला, निम्नलिखित वाक्यांशों में किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए, यानी कि एक शब्द लिखना है। तो पहला हमारा है कि जो फूल खिला ना हो उसको क्या बोलते हैं, कली। और दोपहर का समय क्या है, मध्याह्न बोलते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड दो ही करना है लेकिन मैं आपको तीनों बता देता हूँ, ठीक है। तो रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, इस तरह आपको सही लिखता है, मार्ग प्रदर्शक, ठीक है। और फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है ग्यारह का गाय क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो फ्रेंड्स इसको आपको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए। तो इसको हमें अध्ययन जारी रखना चाहिए, मतलब आप इसको इस तरह बनाइए, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जो बस वाक्य सही होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि वाक्य का मतलब कि उसमें जो है ये जो क्रिया लग रही है एक वचन है और जो कर्ता भी एक वचन होना चाहिए, मतलब इस तरह आपको दोनों सटीक रखना चाहिए, ठीक है। और इसने सारी बात कह दी या उसने सारी बात बता दी, ये सुनाई दी, ये गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये आप बना लीजिएगा अपने से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बारहवा है, हास्य व शांत रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए।
इसमें से आपको कोई एक आंसर देना है, यानी कि एक का कि हास्य लिख दीजिए, हास्य की परिभाषा और उसका आपको उदाहरण लिख करके बता दीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए, यानी कि इसमें से किसी अथवा करके, यानी कोई भी एक लिख सकते हैं, संदेह आ रहा संदेह लिखिए, श्लेष आ रहा श्लेष लिखिए, ठीक है। इसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे। कुंडलियां अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए, यानी जो दोहा का छंद का लक्षण होता है यानी परिभाषा उसकी दे दीजिए और उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारा कि इसके लिए आपको छह नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, तो इसके लिए आपको यानी कि ये लिखिए, या तो आप इस अथवा दिया है छात्रवृत्ति प्राप्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इसमें आपको फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल, उसका मैं एक वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा। और हमारा इसमें ये नौ नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगभग आप ढाई पेज से तीन पेज लिख देंगे तो आपको जो है नौ नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल दिया है कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इस निबंध लिखने के लिए है, और मेरा प्रिय कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इसको कारण क्या है और निवारण क्या है। इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, यानी कि इस प्रकार आपको उपयोग करना है इंटरनेट का, इसको बारे में विवरण देना है, तो इसको आप देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और भी विषय की चाहिए वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।